वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने घर, क्योंकि मैं यहाँ मौसी के यहाँ थी। मुझे अब बोलना भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, इग्नोर कर लेना। मैं आई हूँ मौसी के घर से अपने घर वापस। परसों रात को आई थी, परसों। ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं परसों रात को घर आई थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर पर बहुत सारा काम था। जो मेरे मम्मा है वो घर पर ही थे ऑलमोस्ट, मतलब मौसी के यहाँ थे, यहाँ घर पे नहीं थे, मौसी के घर पे थे। तो मुझे जो है सारा काम करना पड़ा घर का, तो मैं शूट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला गाइज। एज यू नो गाइज कि मुझे इमरजेंसी में घर आना पड़ा था, तो मैं शूट कैसे कर पाती वो भी आपको पता ही था। तो आज मैंने फाइनली सोचा था कि हमें घर जाना है वापस कल, सॉरी चंडीगढ़ जाना है वापस कल, घर तो चंडीगढ़ जाना है वापस कल। तो फिर मैंने सोचा आज हम शूट करते हैं। और कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको घर दिखाऊंगी अपना, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी लोकलिटी, सोसाइटी कहाँ से है। भैया ये जो है इग्नोर करो, पीछे से बहुत सारे हैं बोलने वाले, तो प्लीज गाइस मेरे ऊपर फोकस करिए आप। मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तब तक के लिए चल रहे, बाय बाय, सी यू। सो गाइस, आपको मिलाती हूँ मैं मेरी प्यारी बहना से, जो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान है। आज इसको नींद भी नहीं आ रही है रात से, क्योंकि ये बोल रही है मेरी जो है ना, हंसना मत, मुझे बहुत लंबी होगी। तो प्लीज मुझे पार्लर शार्लर लेके जाओ, मुझे मुझे बनवानी है। और क्या करेगा इस बेचारी, बहुत ज्यादा परेशान होगी। आपको पता ही है, आपको पता है ना अच्छे से कि हमें इमरजेंसी में घर आना पड़ा, तो मुझे मुझे लंबी हो ही गई थी। तो उस करके ना नहीं बना पाई। आज है कि ना मैं इनको पार्लर लेके जा रही हूँ। ये मेरी कजन है, आपको पता ही है, हर बार मैं जिक्र करती हूँ मेरी कजन है, यहाँ कजन है, तो वही है मेरी साहिबा। तो साहिबा ने ना मुंह पे पूरा स्टॉल लगा लिया, इसको शर्म आ रही है बेचारी। दुल्हनिया ने फेरन पहना है कश्मीर में आके। तो इसके लिए ना चेहरा दिखाना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मुझे भी लंबी हो गई है और फेरन भी पहना है। तो जब ये थोड़ा तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपको मिलाएंगे मेरी कजन से भी, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, तो अभी आए हैं हम मेरी मासी के घर में, जो कि हमारे घर के पास ही रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं इनके घर में, तो इनके पास में है प्यारा सा कबूतर, तो भी है तो तू। हेलो हेलो व्यूअर्स को, हेलो करो, से हाय टू व्यूअर्स। तो तू, तो अभी हम जाएंगे घर के अंदर। हे गाइस, कहाँ आप सब, किधर? तुम्हारा चेहरा नहीं आया दीदी, कोई है नहीं यहाँ पे। आर यू गाइज आर देयर? हेलो, ये बहुत लंबा जाएगा, तो मैं आपको मिलाऊंगी अपने मोहम्मद से। और ये है हमारे मोहम्मद, मेरे जो है नेफी है, ये मेरे कजन के बेटा जी है, ये बहुत रोंदू बच्चा है। और ये हमारी क्यूट सी बेबी, एक हरम जान हरम। ये इधर इतना बहुत गंदा गंदा मैश किया है, चलो आपको अपने व्यूअर्स से मिलाते हम। तो ये है मेरी जान, जो कि है बहुत ज्यादा क्यूट, और ये है बहुत रोंदू बेबी हमारा। तो गाइज मिलते हैं हम थोड़ी देर में, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। हे गाइज, तो ये है मेरे कजन ब्रदर, जो है मेरे फेवरेट कजन ब्रदर। तो ये जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो? ये जा रहे हो अभी शॉप पे, मतलब इनकी बुटीक है पुलवामा में। अगर कोई भी है लोकेलिटी से, जो मेरे व्यूअर्स है, कोई भी गर्ल है जो मुझे फॉलो करते हैं, तो हमारा जो मेरे कज़न का बुटीक है राजपुरा चौक में, बैगेट के नाम से, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कपड़े, फैशनेबल डिज़ाइनर वाले, जैसे भी आप शर्ट्स वगैरह जैसे मॉडर्न कपड़े वेयर करते हो, वो सब मिल जाएंगे। ऐसा कोई कोलाब्रेशन वाला सीन नहीं, हमारे घर का बुटीक है। फिर हम निकल गए थे घर से श्रीनगर की तरफ, हमें जाना था घूमने। हे गाइस, हम अभी बाईपास पे, हमें जो जाना था श्रीनगर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हम आगे रास्ते में उतर गए। अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई गाड़ी मिलेगी यहाँ पे कि नहीं मिलेगी। अभी हम जहाँ पे हमें जाना है मेन लोकेशन पे, वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं। जहाँ जाना है अभी हमें बहुत टाइम लगेगा, हमने बीच से उतर के थोड़ा सोचा चल के जाएंगे,
अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, चल रहे रोड से। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, पुराना जो है ना, जो मुगलों के टाइम का था वो ये था, मुगलों के टाइम का, ये दिखाती हूँ मैं आपको। मुगलों के टाइम का गार्डन है यहाँ पे कश्मीर में, या बेबी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम इस शाही दरबार में जा नहीं सकते क्योंकि हमें कहीं जाना है। और हेयर इज आर्मी, एंड ये जो है इसको बोलते हैं जीरो ब्रिज, राजबाग में, श्रीनगर में। तो अभी हम चल रहे हैं, जैसे जहाँ भी हमें जाना है वहाँ पहुँच के आपसे मैं फिर से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। हे गाइस, तो मैं फाइनली पहुँच गई उस जगह पे जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, जो मुझे हमेशा से था कि जब भी मैं कश्मीर आऊँगी तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी दिखाने हैं, जो मेरे फैंस हैं, लाइक जो मेरे अपने लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि उनको मैं दिखाऊंगी, जब भी मैं कश्मीर आऊंगी तो मैं उनको दिखाऊंगी। हर कोई मुझे ये पूछता था वहाँ पे जो बोट हाउसेज होते, प्लीज़ प्लीज़ वो व्लॉग में ज़रूर दिखाना। तो मैंने आज वो व्लॉग में दिखा दिया, ये होते बोट हाउसेज। बट ये जो है, ये वाला बोट हाउस मतलब उनके लिए नहीं है जो टूरिस्ट वगैरह आते यहाँ पे, ये लोग खुद रहते हैं इसके अंदर, जिनका ये है आई थिंक सो, हाँ हाँ खुद ही रहते हैं। और इसके साथ में जो है छोटी सी नाव, शिकारा जिसको बोलते हैं, ये शिकारा है, ये मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। और ये बोट हाउस है, ये बहुत ही बड़ा घर है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा है। और ये जो है, ये ज़ीरो ब्रिज है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। और इस टाइम का जो मौसम है बहुत ही धुंध सा लग रहा है, फॉग जैसा। धूप थी सुबह से होगी, बट मैं इस टाइम जो पहुंची हूँ यहाँ पे इतनी धूप नहीं है। बट ये जो आपको नज़ारा देख रहे हो बहुत ही सुंदर है नज़ारा। मैं आपको वो दिखाती जहाँ पे मेन जो लेक है, वहाँ पे बहुत सारे बोट हाउसेज होते हैं और वहाँ का जो व्यू है बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। शायद मैं उस टाइम मतलब इस टाइम वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। ये जो एक साइड का पार्ट है छोटा मोटा, वो दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे होते हैं। बट वो जगह जो है वो देखो, वो आपको मैं दिखाती हूँ। इन्होंने जो है ये लक्कड़ वाले जो पुल बना रखे है, वहाँ से जाने के लिए उस उधर जाते हैं वो अपने घरों में, बोट हाउसेज में जो एंटर करते हैं ना, ये जो पुल जैसे बनाए हुए हैं लकड़ वाले, इससे ये लोग जो है एंटर करते हैं घरों में अपने। इधर भी बना है बट यहाँ पे ना इन्होंने ये कर्टन्स रखे हुए हैं, तो उसके पीछे ढका हुआ है वो, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये आंटी जी जो है झाड़ू लगा रहे हैं ऊपर छत के ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और सुंदर सुंदर से व्लॉग ऐसे ही लेके आऊँगी मैं। आप सबका प्यार चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो गाइस, अभी जो है मैं चल रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ अपनी लोकेशन की तरफ। एंड ये है अभी का व्यू इस टाइम इस साइड से, और ये जो है मुगलों के टाइम का घर था, यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको पूरा पूरा ही दिखाऊं। अभी मैं इतना नहीं दिखा सकती क्योंकि लेट भी बहुत हो गया, आजकल जो है ठंड है बहुत ज़्यादा और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है, इस करके मैं नहीं दिखा सकती पूरी। तो गाइस, ये सामने से एक पार्क है, और ये जो पेड़ है ना बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कश्मीर में चिनार का पेड़। तो चिनार के पत्ते जो होते हैं ना, यहाँ पे आपको सिर्फ चिनार के पेड़ ही दिखेंगे सारे, ये चिनार वाले पेड़ हैं सारे। और जो है ये क्या है, हाँ ये वही गार्डन है जो मैंने आपको फ्रंट साइड से दिखाया था, आई थिंक मतलब वो उसका बैक साइड था और ये फ्रंट साइड है। और जो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट इस साइड से, जहाँ मुझे जाना है। सो गाइस, ये होता है चिनार का पत्ता, जो चिनार का पेड़ है वो ये है, और ये चिनार का पत्ता है। दिखने में कितना खूबसूरत सा है ना। तो गाइस, ये पहुंचे हम लाल चौक में, ये है यहाँ का क्लॉक टावर, बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, बट अभी थोड़ा इसको नया बनाया गया है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। गाइस, मैं पूरा शूट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे जो फ़ोन की बैटरी है वो हो चुकी है लो, और जितना मुझसे हो सका वहाँ तक तो मैंने शूट कर लिया, और मैं प्रॉपर नहीं दिखा पाऊँगी कहाँ कहाँ गए हम शॉपिंग करने, वो भी नहीं दिखा पाई मैं, बस इतना बहुत है। मिलते हैं हम थोड़ी सी में, ऐसा नहीं लग रहा हम कहीं और ही आए हुए हैं ना, यहाँ पे लोग फोटो शूट करवाते हैं बहुत ज़्यादा, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से गाइस।
स्टोरी में पूरा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे फोन की जो बैटरी है वो हो चुकी है लो। और ये जो है यहाँ का शाम का व्यू है, अभी बजे होंगे 6 ऑलमोस्ट। सावधान रहे। फिर हम गाइस बैठ गए थे ये बस में, एसी बस में। उसके बाद हम निकले घर को, बहुत ही ज़्यादा देर हो गया था, लेट हो गया था। उसके बाद मैं शूट क्या ही करती, और फिर मैं सोचा व्लॉग को करते ही यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।